शोएब अख्तर जब खेलते थे तब वो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो अपने बयानों के चलते हमेशा खबरों में रहते हैं। शोएब अख्तर अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं जिस पर कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है, और इस बार भी पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा ही एक बयान दिया है। शोएब अख्तर के इस बयान के बाद पाकिस्तान में इस पर काफी बवाल हो सकता है। शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत के पैसे से पलते हैं। शोएब अख्तर ने कहा है कि इंडिया के पैसे से ही पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेटर्स को फीस मिल पाती है। शोएब अख्तर ने एक वरिष्ठ खेल पत्रकार के साथ बातचीत में बताया है कि बीसीसीआई वर्ल्ड क्रिकेट में कितनी पावरफुल एसोसिएशन है। शोएब अख्तर ने ये बात मानी है कि बीसीसीआई का जो पैसा आईसीसी के पास जाता है और आईसीसी उस पैसे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजती है, उसी के दम पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को फीस मिल पाती है। शोएब अख्तर ने वर्ल्ड कप 2023 पर भी भविष्यवाणी की है। शोएब अख्तर ने कहा है कि बीसीसीआई इस वर्ल्ड कप से काफी पैसा कमाएगी, इससे बीसीसीआई की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। शोएब अख्तर ने कहा है भारत पाकिस्तान मैच में एक बार फिर टीम इंडिया पर ही दबाव होगा। शोएब अख्तर ने कहा यह दबाव मीडिया की वजह से बनता है, लगातार टीम इंडिया की जीत के दावे किए जाते हैं, यहां तक कि स्टेडियम भी बिल्कुल ब्लू कर दिए जाते हैं। इससे पाकिस्तान को मदद मिलती है क्योंकि पाकिस्तान अपने आप ही डार्क हॉर्स बन जाती है और इससे उसके खिलाड़ियों को खुलकर खेलने में मदद मिलती है। आपको बता दें कि इस बार वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होना है और इसका आगाज 5 अक्टूबर से होने वाला है। इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान की टक्कर 14 अक्टूबर को होगी। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचती हैं तो वहां भी भारत पाकिस्तान की टक्कर देखने को मिल सकती है।